हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों आज हम बात करेंगे एनक्लेक्स बेस्ड एमसीक्यूज का 8वां पार्ट, और आज की इस वीडियो के अंदर भी हम 10 क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। दोस्तों साथ ही आपको बता दूं, 2 क्वेश्चंस ऐसे होंगे जो एम्स नॉर्सेट 2020 में पूछे जा चुके हैं, तो वो आज की इस पार्ट के अंदर आपको मिल जाएंगे। एनक्लेक्स बेस्ड एमसीक्यूज एम्स नॉर्सेट में पूछे ही जाते हैं, आप सभी को पता भी होगा, और नहीं पता है तो देख लेना। जो पहली बार एग्जाम देने वाले हैं वो देख लेना, जब पेपर आप दो तो आपको पता चल जाएगा कि एनक्लेक्स बेस्ड एमसीक्यूज कितने क्या पूछे जाते हैं। पिछली बार तो साइकेट्रिक ने तहलका मचा दिया था, लेकिन इस बार क्या होगा ये किसी को नहीं पता है। हो सकता है एमएसएन आ जाए, हो सकता है ओबीजी आ जाए, हो सकता है फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग आ जाए, तो कुछ भी आ सकता है। मतलब वो तो एग्जामिनेशन, जो एग्जामिनर होता है उसके ऊपर डिपेंड करता है। तो चलिए दोस्तों, यहाँ पे हम 10 क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होंगे। आपको सभी क्वेश्चंस को अच्छे से समझना है, और जो इनके रैशनल्स बताए जाते हैं वो आपको अच्छे से याद कर लेना है। दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आ रहे हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, साथ ही बेल आइकन बटन को जरूर दबा देना, ताकि आपको ऐसी ही लेटेस्ट अपडेट जल्दी से जल्दी मिलती रहेगी, और साथ ही अपने फ्रेंड्स को शेयर करना ना भूले। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे पहला क्वेश्चन और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ए नर्स इज केयरिंग फॉर ए क्लाइंट हु इज रिसीविंग ब्लड ट्रांसफ्यूजन थेरेपी। देखिए, नर्स ऐसे पेशेंट की केयर कर रही है जिसको ब्लड ट्रांसफ्यूजन थेरेपी चल रही है। अब देखिए आगे पूछा क्या जा रहा है, विच क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस वुड अलर्ट द नर्स टू ए हीमोलाइटिक ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन। ऐसे कौन कौन से क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस आपको उस पेशेंट के अंदर देखने को मिलेंगे जिसको देखकर नर्स अलर्ट हो जाएगी क्या हो रहा है पेशेंट को, हीमोलाइटिक ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन। यानी कि पेशेंट को ब्लड ट्रांसफ्यूजन थेरेपी तो चली रही है, लेकिन इसकी वजह से हीमोलाइटिक ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन उस पेशेंट को हुई है। उस नर्स को पता तो होना चाहिए ना वहाँ पे कि इसको अगर हीमोलाइटिक ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन होगी तो कौन कौन से क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस उस पेशेंट के अंदर शो होंगे, तभी तो नर्स वहाँ पे अलर्ट हो पाएगी। तो यहाँ पे आगे एक चीज़ और दे रखी है, वो है सेलेक्ट ऑल दैट अप्लाई, यानी कि साटा। अभी पिछली साल तो नहीं पूछा गया था साटा से क्वेश्चन, लेकिन हो सकता है इस बार आपको मिल जाए। 100% गारंटी तो नहीं दे सकता, लेकिन मिल सकता है। हो सकता है आपको साटा से क्वेश्चन मिल जाए, हो सकता है आपको डायरेक्टली हीमोलाइटिक ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन के क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन पूछ ले जाए। तो आपको यहाँ पे जैसे आपको अलग अलग यहाँ पे दे रखा है, लेकिन आपको वहाँ पे कंबाइंडली आपको 5-5 नाम दे सकता है, ए बी सी डी, इस प्रकार से भी आपको ऑप्शंस में मिल सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे ऑप्शंस में, फर्स्ट हेडेक, नेक्स्ट टैकीकार्डिया, नेक्स्ट हाइपरटेंशन, नेक्स्ट हाइपरटेंशन, नेक्स्ट डिस्टेंडेड नेक वेन, नेक्स्ट एसेंस ऑफ इम्पेंडिंग डॉम। दोस्तों आपने ब्लड ट्रांसफ्यूजन थेरेपी अच्छे से पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा तो कोई दिक्कत नहीं है, हम पढ़ाएंगे आपको, बिल्कुल पढ़ाएंगे आप पे, बिल्कुल निश्चिंत रहिएगा। देखिए यहाँ पे जो ब्लड ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन अगर किसी पर्सन को होती है ब्लड ट्रांसफ्यूजन थेरेपी के दौरान, या फिर हीमोलाइटिक रिएक्शन बोल दीजिए, अगर हीमोलाइटिक ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन किसी पर्सन को होती है तो उसमें कौन कौन से साइन सिम्टम देखने को मिलेंगे, तो आपको आंसर में करना है हेडेक, टैकीकार्डिया, हाइपरटेंशन, एप्रेशंस एंड एसेंस ऑफ इम्पेंडिंग डॉम। दोस्तों ये जो आपको ऑप्शन फिफ्थ दिया गया, डिस्टेंडेड नेक वेन, ये हीमोलाइटिक ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन का क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन नहीं है। ये किसका क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन है, फिर ये किसका क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन है, कौन बताएगा आप में से? आपने प्रीवियस पार्ट्स देखे होंगे, मैंने आपको वहाँ पे बता रखा है, तो आप मुझे कमेंट करके आंसर जरूर बताइएगा। डिस्टेंडेड नेक वेंस किसका क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन है, आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। चलिए रेशनल से और जानते हैं इसको। यहाँ पे करेक्ट आंसर आप देख सकते हैं, ऑप्शन फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ एंड सिक्स्थ। ऑप्शन जो फिफ्थ है वो तो आपको बताना ही बताना है। देखिए यहाँ पे, हीमोलाइटिक ट्रांसफ्यूजन रिएक्शंस आर कॉज्ड बाय ब्लड टाइप और आरएच इनकंपैटिबिलिटी। हो सकता है जो हीमोलाइटिक ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन हुई है वो किसके वजह से हुई है, ब्लड टाइप, जो ब्लड टाइप है वो क्रॉस मैच नहीं हुए हो, या फिर आरएच इनकंपैटिबिलिटी वाला ब्लड हो, तो उसकी वजह से क्या हो सकती है, हीमोलाइटिक ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन। अब आगे देखिए, व्हेन ब्लड कंटेनिंग एंटीजन्स डिफरेंट फ्रॉम द क्लाइंट्स ऑफ एन एंटीजन आर इन्फ्यूज्ड, एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स आर फॉर्म्ड इन द क्लाइंट ब्लड। अगर उस पेशेंट को जिसके ब्लड ट्रांसफ्यूजन थेरेपी चल रही है उसके अंदर जो ब्लड आप दे रहे हैं उसके अंदर वो एंटीजन नहीं है जो उस पेशेंट के अंदर है, वो अगर एंटीजन नहीं है, दूसरा कोई एंटीजन है, तो उसकी वजह से क्या होगा, एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन होगी। जब आप ऐसा ब्लड उस पेशेंट को दोगे तो एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स बनेगा, और उसकी वजह से क्या होगा वो भी समझ लीजिए आगे। दीज कॉम्प्लिकेशन डेस्ट्रॉय द ट्रांसफ्यूज सेल्स एंड स्टार्ट इन्फ्लामेटरी रेस्पॉन्स इन द क्लाइंट ब्लड वेसल्स
वॉल्स एंड ऑर्गन्स। ये जो कॉम्प्लेक्स बनाए एंटीजन एंटीबॉडी का कॉम्प्लेक्स, ये क्या करेगा, जो ट्रांसफ्यूज्ड सेल्स हो रही है उनको क्या कर देगा, डिस्ट्रॉय कर देगा। साथ ही ये इन्फ्लामेटरी रेस्पॉन्स पेशेंट के अंदर जनरेट करेगा, जिससे ब्लड वेसल्स, ब्लड वॉल्स एंड ऑर्गन्स क्या होंगे, अफेक्ट होंगे। आगे देखिए, द रिएक्शन मे बी माइल्ड विथ फीवर एंड चिल्स और लाइफ थ्रेटनिंग विथ डिसेमिनेटेड इंट्रावेस्कुलर कोएगुलेशन, यानी कि DIC। ये 2020 में DIC से क्वेश्चन पूछा गया था। वैसे मैं आपको 2020 का जब पेपर बताऊंगा तो उसके अंदर बताऊंगा कौन सा DIC से क्वेश्चन पूछा गया था और उसका आंसर क्या करना था। देखिए आगे, एंड सर्कुलेटरी कोलैप्स। तो दोस्तों यहाँ पे जो रिएक्शन हो रही है, हीमोलाइटिक जो ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन हो रही है, तो उसकी वजह से क्या क्या हो सकते हैं, फीवर विथ चिल्स हो सकता है, लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन पेशेंट के अंदर हो सकती है, मतलब ये लाइफ थ्रेटनिंग भी हो सकता है पेशेंट के लिए, ये जानलेवा भी हो सकता है। साथ ही DIC डिसेमिनेटेड इंट्रावेस्कुलर कोएगुलेशन ये कोज कर सकता है, साथ ही सर्कुलेटरी कोलैप्स भी हो सकता है। तो ये रिएक्शन की वजह से इस प्रकार के साइन सिम्टम्स पेशेंट के अंदर देखने को मिल सकते हैं, लेकिन जो आपको ऑप्शन में दिए गए हैं वो तो एक ही ऑप्शन यहाँ पे नहीं आया है। तो चलिए देखते हैं यहाँ पे अदर मैनिफेस्टेशंस, इसके कुछ अलग भी मैनिफेस्टेशंस हैं, कौन कौन से हैं, इंक्लूड एप्रेशंस, हेडेक, चेस्ट पेन, लो बैक पेन, टैकीकार्डिया, टैकेपनिया, हाइपोटेंशन, हीमोग्लोबिनूरिया एंड ए सेंस ऑफ इम्पेंडिंग डॉम। जो आपको 4-5 ऑप्शंस दिए गए ना, वो यहाँ पे मिलेंगे आपको। जो अदर मैनिफेस्टेशंस है वो क्या क्या है, एप्रेशंस, हेडेक, चेस्ट पेन, लो बैक पेन, टैकीकार्डिया, टैकेपनिया, हाइपोटेंशन, हीमोग्लोबिनूरिया एंड ए सेंस ऑफ इम्पेंडिंग डॉम। तो ये आपको क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस अच्छे से याद कर लेने हैं। हो सकता है सेलेक्ट और ऑल दैट अप्लाइड सिक्वेशन पूछ लिया जाए, या फिर डायरेक्टली आपको हीमोलाइटिक ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन के क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन पूछ लिया जाए। अब देखिए यहाँ पे, ए बाउंडिंग पल्स एंड डिस्टेंडेड नेक वेंस आर करेक्टरिस्टिक ऑफ सर्कुलेटरी ओवरलोड। देखिए यहाँ पे जो बाउंडिंग पल्स है और जो डिस्टेंडेड नेक वेन है, वो किसके करेक्टरिस्टिक है, सर्कुलेटरी ओवरलोड के, आपको वो बताना है। क्वेश्चन वो अलग से और आपको बताना है, डिस्टेंडेड नेक वेन किस में दिखाई देती है, कौन सी कंडीशन के अंदर। लेकिन यहाँ पे ये भी आपको ध्यान रखना है कि बाउंडिंग पल्स और जो डिस्टेंडेड नेक वेन है वो किसका करेक्टरिस्टिक है, सर्कुलेटरी ओवरलोड का। ब्लड ट्रांसफ्यूजन आप कर रहे हैं और उसकी वजह से सर्कुलेटरी अगर ओवरलोड हुआ है तो उस कंडीशन में डिस्टेंडेड नेक वेन और बाउंडिंग पल्स आपको देखने को मिलेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एम्स नॉरसेट 2020 का ये क्वेश्चन आ चुका है, देख सकते हैं आप यहाँ पे एम्स नॉरसेट 2020। ऐसा नहीं कि यहाँ पे एम्स नॉरसेट 2020 यहाँ पे लिख दिया है तो ये एम्स नॉरसेट का क्वेश्चन हो गया है, ये पूछा हुआ क्वेश्चन है, तभी यहाँ पे एम्स नॉरसेट 2020 डाला गया है। देखिए क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, ए क्लाइंट हैज एन एट्रियोवीनस फिस्टुला इन प्लेस्ड इन द राइट अपर एक्सट्रीमिटीज फॉर हीमोडायलिसिस ट्रीटमेंट। देखिए, ऐसा पेशेंट है जिसके एवी फिस्टुला बनाया गया है, कहाँ पे, राइट अपर एक्सट्रीमिटीज़ के अंदर, और ये जो एवी फिस्टुला बनाया गया वो क्यों बनाया गया है, हीमोडायलिसिस के ट्रीटमेंट के लिए एवी फिस्टुला यहाँ पे बनाया गया है। ये 2020 में पूछा गया है, जिन्होंने एग्जाम दिया उनको पूछ लेना। देखिए आगे, व्हेन प्लानिंग केयर फॉर दिस क्लाइंट वो विच ऑफ द फॉलोइंग मेजर्स शुड द नर्स इंप्लीमेंट टू प्रमोट क्लाइंट सेफ्टी। कौन सी प्लानिंग आप यहाँ पे उस पेशेंट के लिए करेंगे, केयर के लिए। देखिए यहाँ पे, विच ऑफ द फॉलोइंग मेजर्स, आप निम्नलिखित में से कौन सा वो मेजरमेंट करेंगे, जिससे, मतलब कौन सा आप नर्सिंग इंप्लीमेंट करेंगे जिससे पेशेंट की सेफ्टी को प्रमोट किया जा सके। ऐसा क्वेश्चन सेम एज इट इज एम्स नर्सिंग का जो नर्सिंग ऑफिसर का जो एग्जाम हुआ था उसके अंदर भी पूछा गया था 2020 के अंदर। ऑप्शंस देखिए, सेम एज इट इज आपको ऑप्शंस मिलेंगे, टेक ब्लड प्रेशर, ऑप्शन फर्स्ट है टेक ब्लड प्रेशर ओनली ऑन द राइट आर्म टू एंश्योर एक्यूरेसी, नेक्स्ट है यूज द फिस्टुला ऑफ ऑल वेन्यू पंक्चर एंड इंट्रावीनस इन्फ्यूजन्स, नेक्स्ट एंश्योर दैट स्मॉल क्लैंप्स आर अटैच्ड टू एवी फिस्टुला ड्रेसिंग, नेक्स्ट असेस द फिस्टुला फॉर प्रेजेंस ऑफ ए ब्रूट एंड थ्रिल एवरी 4 hours। दोस्तों आपने पढ़ा भी होगा और सुना भी होगा। दोस्तों यहाँ पे जो आपको करेक्ट आंसर करना हो क्या करना, ऑप्शन फोर्थ असेस द फिस्टुला फॉर द प्रेजेंस ऑफ ब्रूट एंड थ्रिल, ये साउंड्स है दोस्तों, ये साउंड्स के नाम है, ब्रूट साउंड एंड थ्रिल साउंड्स, ये इसकी प्रेजेंस आपको असेस करनी होती है उस फिस्टुला से।
कितनी देर से, प्रत्येक 4 घंटे से। बाकी जो यहाँ पे 3 वर्क आपको बताए गए, ये कभी भी एवी फिस्टुला जिस हाथ में बनाया जाता है वहाँ पे नहीं करने होते हैं। ना तो आपको बीपी लेनी होती है, ना ही कोई आईवी इन्फ्यूज़न करना होता है, ना ही वहाँ पे कोई स्मॉल क्लैंप वगैरह, ना ही कोई ड्रेसिंग वगैरह वहाँ पे करनी होती है। तो ये तीनों काम तो आपको उस हैंड्स के अंदर करना ही नहीं है। जो आपको एक काम करना है वो क्या करना है, आपको सिर्फ और सिर्फ जो फिस्टुला जिस हाथ में बनाया गया है उसमें सिर्फ असेस करनी है आपको ब्रूट एंड थ्रिल साउंड। अब ये आपको जानना है कि ब्रूट साउंड कैसे सुनते हैं और थ्रिल साउंड कैसे सुनते हैं, इनका भी एक मेथड है और वहाँ से भी बार बार क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। चलिए रेशनल से समझते हैं इनको। एट्रियोवेनस फिस्टुला आर क्रिएटेड बाई एनास्टोमोसिस ऑफ एन आर्टरी एंड वेन विद इन द सबक्यूटेनियस टिश्यूज टू क्रिएट एसेस टू हीमोडायलिसिस। देखिए एवी फिस्टुला, फिस्टुला का मतलब होता है एनास्टोमोसिस करना। यहाँ पे एट्रियो वीनस है, मतलब आर्टरी और वीनस दोनों को एनास्टोमोसिस कर दिया, मतलब जोड़ दिया गया है। जोड़ के सिर्फ एक ही आपने यहाँ पे ओपनिंग बना दी है, मतलब दोनों का कनेक्शन एक जगह कर दिया है, तो ये क्या बन गया है, आर्टरियो वीनस फिस्टुला। आगे देखिए यहाँ पे विद इन द सबक्यूटेनियस टिश्यूज टू क्रिएट एसेस टू एक्सेस ऑफ फॉर हीमोडायलिसिस। हीमोडायलिसिस के लिए आपने ये एवी फिस्टुला यहाँ पे बनाया है सब क्यूटेनियस टिश्यूज के अंदर। तो देखिए यहाँ पे आगे पढ़िए, फिस्टुलाज शुड बी इवेल्युएटेड फॉर प्रेजेंस ऑफ थ्रिल पालपेट ओवर द एरिया। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लाइन है दोस्तों, यहाँ पे आप 5 स्टार मत लगाइए, आप डायरेक्ट इसको दिमाग में बिठा लीजिए। बस देखिए अगर फिस्टुलाज की आप मतलब एफिकेसी चेक कर रहे हैं या फिर एक्यूरेसी आप चेक कर रहे हैं कि भाई फिस्टुलाज यहाँ पे बना हुआ है वो अच्छे से वर्क कर रहा है कि नहीं कर रहा है, तो इसको इवेल्युएट करने के लिए आप थ्रिल साउंड जो है वो प्रेजेंट, इसकी मतलब प्रेजेंस आपको मिलेगी। लेकिन यहाँ पे ये लाइन आपको अच्छे से याद करनी है, जो थ्रिल साउंड होगी वो पालपेबल होगी, यानी कि पालपेट जब आप करेंगे इस एरिया को तो थ्रिल साउंड आपको सुनाई देगी या फिर थ्रिल साउंड जो है वो आपको वहाँ पे प्रेजेंस आपको इसकी मिलेगी। आगे देखिए ब्रूट साउंड, ये जो ब्रूट साउंड है वो ऑस्कल्टेट करने पे आपको पता चल पाएगी। जब आप ऑस्कल्टेट करेंगे किससे, स्टेथोस्कोप से, तब आपको ब्रूट साउंड पता चल पाएगी। तो दोस्तों यहाँ पे मैं आपको एक जो क्वेश्चन है वो मैं साथ ही बता देता हूँ, जो एग्जाम में पूछा ही जाता है वो क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है, क्वेश्चन सेम एज इट इज़ होता है, जो आपको मैंने बताया सेम एज इट इज़ होता है, ऑप्शंस एज इट इज़ दिए जाते हैं, लेकिन ऑप्शंस में आपको थोड़ा सा कन्फ्यूजन डाल दिया जाता है। दोनों में ऑप्शंस में सेम एज इट इज़ डाले जाते हैं कि जो थ्रिल साउंड है वो ऑस्कल्टेट बताई जाती है और ब्रूट साउंड है वो पालपेबल बताई जाती है, और वहाँ पे आप कन्फ्यूज हो जाते हैं और गलत आंसर करके आ जाते हैं। देखिए आपको जो करेक्ट आंसर करना है वो यही करना है, अगर पालपेबल बोले तो थ्रिल साउंड आपको करना है, अगर ऑस्कल्टेट बोले तो फिर आपको ब्रूट साउंड करना है। ये आपको अच्छे से ध्यान रखना है, यहाँ से बार बार कन्फ्यूजन आपको होता है और यहाँ से आपका आंसर गलत हो जाता है। आगे देखिए एज एन असेसमेंट ऑफ पैटेंसी, तो जो एवी फिस्टुला है उसकी पैटेंसी को असेस करने के लिए थ्रिल्स एंड ब्रूट साउंड्स आप सुनते हैं पालपेबल करके और ऑस्कल्टेट करके। आगे देखिए ब्लड प्रेशर एंड वेनुपंक्चर्स आर नॉट डन ऑन द एक्सट्रीमिटी विद द फिस्टुला बिकॉज ऑफ द रिस्क ऑफ क्लॉटिंग इन्फेक्शन एंड डैमेज ऑफ द फिस्टुला। देखिए जिस हाथ पे आपने एवी फिस्टुला बनाया वहाँ से ब्लड प्रेशर क्यों नहीं लेते हैं, वेनुपंक्चर क्यों नहीं करते हैं, इसका रीज़न भी आपको पता होना चाहिए। यहाँ पे इसका रीज़न क्या बताया गया, यहाँ पे रिस्क होते हैं किसके, क्लॉटिंग के, इन्फेक्शन के, और जो फिस्टुला बनाया गया उसके डैमेज होने के। तो ये कुछ रिस्क फैक्टर होने की वजह से जो एवी फिस्टुला बनाया गया जिस हाथ के अंदर वहाँ से ना तो ब्लड प्रेशर, जो ब्लड प्रेशर है वो असेस किया जाता है, ना ही वहाँ पे वेन्यू पंक्चर किया जाता है। आगे देखिए द फिस्टुला इज नॉट यूज टू वेन पंक्चर्स और आईवी इन्फ्यूजन्स इन द सेम रीजन। रीजन वही है कि भाई क्लॉटिंग और इन्फेक्शन और जो फिस्टुला है उसके डैमेज होने के बहुत ज़्यादा रिस्क होते हैं, इसकी वजह से वेन्यू पंक्चर भी नहीं किया जाता है, ना ही कोई आईवी इन्फ्यूजन इस पेशेंट के हाथ से दिया जाता है। नेक्स्ट है क्लैंप्स में बी नीडेड फॉर एन एक्सटर्नल डिवाइस सच एज एवी सेंट बट एवी फिस्टुला इज इंटरनल। देखिए जो क्लैंप्स, एक वर्ड आपको दिया गया क्लैंप्स को लेकर, वो क्लैंप्स जरूरी होता है, लेकिन वो कब होता है, जब यहाँ पे जो एवी सेंट बनाया गया हो, एक्सटर्नल डिवाइस अगर लगाई गई है जैसे एवी सेंट, और एवी सेंट कहाँ पे यूज लिया जाता है दोस्तों, आपने पढ़ा होगा एवी सेंट कहाँ पे यूज लिया जाता है पीडियाट्रिक्स के अंदर, आपने अच्छे से पढ़ा होगा, कमेंट करके आंसर जरूर बताइएगा एवी सेंट कहाँ पे यूज लिया जाता है। देखिए अगर एवी सेंट यूज लिया जाता है तो वहाँ पे क्लैंप करने की जरूरत
होती है, लेकिन एवी फिस्टूला जो है वो इंटरनली बनाया गया है, तो यहाँ पे क्लैंप करने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। तो यहाँ पर जो रेशनल दिया गया है दोस्तों, ये तो आपको अच्छे से याद कर ही लेना है। यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं, अलग अलग क्वेश्चंस यहाँ से पूछे जाते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ए क्लाइंट विथ ए वुंड इन्फेक्शन एंड ऑस्टियोमायलाइटिस इज टू रिसीव हाइपरबैरिक ऑक्सीजन थेरेपी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए एक पेशेंट है जिसको वुंड इन्फेक्शन हुआ है और साथ ही ऑस्टियोमायलाइटिस की कंडीशन हुई है, साथ ही उस पेशेंट को हाइपरबैरिक ऑक्सीजन थेरेपी जो है वो दी जा रही है। हाइपरबैरिक ऑक्सीजन थेरेपी उस पेशेंट को दी जा रही है, और ये कब दी जाती है? ऑस्टियोमायलाइटिस को ठीक करने के लिए और वुंड इन्फेक्शन को ठीक करने के लिए। अब देखिए, ड्यूरिंग द थेरेपी द नर्स इम्प्लीमेंट्स विच प्रायोरिटी इंटरवेंशन। देखिए थेरेपी के दौरान नर्स यहाँ पे सबसे पहला इंटरवेंशन या सबसे पहला मैनेजमेंट क्या इम्प्लीमेंट करेगी? ऑप्शंस आपके सामने हैं। फर्स्ट है मेंटेन्स एन आई वी एक्सेस, नेक्स्ट एंश्योर दैट ऑक्सीजन इज बीइंग डिलीवर्ड, नेक्स्ट एडमिनिस्टर्स सडेशन टू प्रिवेंट क्लस्ट्रोफोबिया, नेक्स्ट प्रोवाइड इमोशनल सपोर्ट टू द क्लाइंट्स फैमिली। यहाँ पे तीन ऑप्शन आपको रॉन्ग दिए गए हैं और वो आपको अच्छे से पता भी चल रहा है। ये जो ऑप्शन है वो तीनों ही रॉन्ग है। जो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर वो क्या है? ऑप्शन सेकेंड। देखिए एंश्योर दैट ऑक्सीजन इज बीइंग डिलीवर्ड, आपको वहाँ पे सबसे पहले क्या करना है कि जो हाइपरबेरिक ऑक्सीजन आप थेरेपी दे रहे हैं इसमें ऑक्सीजन जो है वो डिलीवर हो रही है कि नहीं हो रही है, ये आपको सबसे पहले चेक करना है। ये आपको यहाँ पे सबसे पहले एंश्योर करना है, तो यही आपकी सबसे पहले यहाँ पे फर्स्ट प्रायोरिटी रहेगी। बाकी जो तीन ऑप्शन दिए गए हैं वो आपको मतलब बाद में सारे काम करने हैं, ये तो बिल्कुल भी इससे रिलेटेड नहीं है। जो आपको वर्क वहाँ पे करना है फर्स्ट प्रायोरिटी वो क्या करनी है, जो ऑक्सीजन डिलीवर की जा रही है उसको असेस आपको करना है। चलिए रेशनल से समझते हैं तीनों चारों के ही मतलब क्या है। फर्स्ट देखिए यहाँ पे हाइपरबेरिक ऑक्सीजन थेरेपी इज प्रोसेस बाय विच ऑक्सीजन एडमिटेड एट ग्रेटर देन एटमोस्फेरिक प्रेशर। जो एटमोस्फेयर प्रेशर है जिसके अंदर मतलब एनवायरनमेंट के अंदर जितनी ऑक्सीजन है उससे ज़्यादा प्रेशर में ऑक्सीजन थेरेपी जो दी जाती है मतलब ऑक्सीजन जो एडमिनिस्टर की जाती है उस प्रोसेस को कहा जाता है हाइपरबेरिक ऑक्सीजन थेरेपी। अब देखिए एनवायरनमेंट के अंदर 21% कितनी है, 21% जो ऑक्सीजन है वो प्रेजेंट होती है। अब यहाँ पे जो एटमोस्फियरिक प्रेशर है उसके अंदर जितनी ऑक्सीजन उससे ज़्यादा ऑक्सीजन आप एडमिनिस्टर करवा रहे हैं तो उससे क्या कहते हैं, हाइपरबैरिक ऑक्सीजन थेरेपी। विच ऑक्सीजन इज इनहेल्ड ड्यूरिंग प्रेशर अंडर प्रेशर द लेवल ऑफ टिश्यू ऑक्सीजन इज ग्रेटली इंक्रीज। जब यहाँ पे ऑक्सीजन जो है बहुत ज़्यादा प्रेशर के साथ देंगे तो यहाँ पे जो टिश्यूज है जिनको ऑक्सीजन नहीं मिल पा रही है तो वो अच्छे से यहाँ पे ऑक्सीजन उनको मिल पाएगी और अच्छे से वो अपनी ग्रोथ कर पाएंगे। यानी कि वुंड इन्फेक्शन हो रखा है और साथ ही क्या हो रखा है, ऑस्टियोमायलाइटिस, तो दोनों को ठीक अगर करना है तो हाइपरबैरिक ऑक्सीजन थेरेपी देनी पड़ेगी। अब देखिए द हाई लेवल ऑफ ऑक्सीजन प्रमोट एंड एक्शन ऑफ फेगोसाइटोसिस एंड प्रमोट हीलिंग ऑफ द वुंड। ये जो ऑक्सीजन थेरेपी आप दे रहे हैं जिससे क्या होगा, जो फेगोसाइट है उसमें मतलब प्रमोट होगा, उसका जो एक्शन है वो क्या होगा, प्रमोट होगा, साथ ही जो वुंड हीलिंग है वो भी बढ़ेगा। तो पेशेंट में जो वुंड की प्रोसेस मतलब जो वुंड बन रखा है तो वो भी ठीक होगा और जो ऑस्टियोमायलाइटिस की कंडीशन हो रखी है वो भी ठीक होगी। तो यहाँ पे आपको हाइपरबेरिक ऑक्सीजन थेरेपी में ये आपको ध्यान रखना है, सबसे पहले ऑक्सीजन चेक यहाँ पे करना है। बिकॉज द क्लाइंट इज प्लेस्ड इन क्लोज चैम्बर एंड एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन इन द प्राइमरी इंपॉर्टेंस। यहाँ पे जो पेशेंट हो क्लोज चैम्बर के अंदर मतलब उसको रखा गया है और यहाँ पे जो आप ऑक्सीजन एडमिनिस्टर कर रहे हैं तो यहाँ पे फर्स्ट प्रायोरिटी आपकी क्या होगी, ऑक्सीजन चेक करने की। देखिए ऑल दो ऑप्शन फर्स्ट थर्ड एंड फोर्थ में भी अप्रोप्रिएट इंटरवेंशंस, ऑप्शन सेकंड इज प्रायोरिटी। ये भी वैसे तो मान सकते हैं कि यहाँ पर जो है पेशेंट के लिए मतलब क्लस्ट्रोफोबिया हो रखा है तो उसको भी ट्रीट करना है वहाँ पे, और साथ ही इमोशनल सपोर्ट भी करना है, फैमिली को भी जो है सपोर्ट देना है, ये सारे काम वैसे तो आपको करने हैं वहाँ पे, लेकिन जो फर्स्ट प्रायोरिटी एजुकेशन आपको यहाँ पे देनी है वो क्या देनी है, ऑक्सीजन वहाँ पे सबसे पहले चेक करना है, बाकी काम आप उसके बाद कर सकते हैं। तो ये मैंने आपको पहले भी बता दिया है कि बाकी काम आप बाद में कर सकते हैं, पहले आपको प्रायोरिटी देनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ए क्लाइंट इज ड्यू टू हाइड्रोथेरेपी फॉर द बर्न ड्रेसिंग चेंज। देखिए एक पेशेंट है जो हाइड्रोथेरेपी का है जिसको बर्न ड्रेसिंग जो है वो चेंज करनी है।
आगे देखिए, टू एंश्योर दैट द प्रोसीजर इज मोस्ट टॉलरेबल फॉर द क्लाइंट द नर्स टैक्स विच ऑफ द फॉलोइंग एक्शंस। देखिए यहाँ पे आप प्रोसीजर जो है वो परफॉर्म करने वाले हैं और मोस्ट टॉलरेबल टू द क्लाइंट, यानी जो पेशेंट है वो भी तो टॉलरेबल होना चाहिए, मतलब टॉलरेट करना चाहिए। जो आप प्रोसेस यहाँ पे करने वाले हैं, जो प्रोसीजर यहाँ पे करने वाले हैं, उसको टॉलरेट पेशेंट भी तो करना चाहिए। तो उसके लिए यहाँ पे नर्स सबसे पहले क्या करेगी, ये आपको पूछा गया। ऑप्शंस देखिए आपके सामने, ऑप्शंस फर्स्ट है एनश्योर द क्लाइंट हैज़ ए रोब एंड स्लीपर्स, नेक्स्ट एडमिस्ट एंड एनाल्जेसिक्स 20 मिनट्स बिफोर थेरेपी, नेक्स्ट सेंड ड्रेसिंग सप्लाइज विद द क्लाइंट्स विद हाइड्रोथेरेपी, नेक्स्ट एडमिनिस्टर द आईवी या इंटरवीनस एंटीबायोटिक्स 30 मिनट्स बिफोर थेरेपी। दोस्तों यहाँ पे जो आपको करेक्ट आंसर करना हो क्या करना, ऑप्शन सेकंड एडमिनिस्टर एंड एनाल्जेसिक 20 मिनट्स बिफोर थेरेपी, थेरेपी स्टार्ट करने से पहले मतलब 20 मिनट पहले एनाल्जेसिक पेशेंट को एडमिनिस्टर करवा देनी है। तो ये आप मतलब यहाँ पे ध्यान रखना है और ये आपको सबसे पहले वहाँ पे करना है ताकि पेशेंट को ज़्यादा पेन वगैरह नहीं हो, ना ही किसी प्रकार का कोई इरिटेशन हो। तो यहाँ पे रेशनल से और ज़्यादा इसको जानते हैं। द क्लाइंट शुड रिसीव पेन मेडिकेशंस अप्रॉक्सीमेटली 20 मिनट्स बिफोर द बर्न ड्रेसिंग चेंज। जब भी आप पेशेंट की ड्रेसिंग आप चेंज कर रहे हैं, यानी कि पेशेंट जला हुआ है और उसकी आप ड्रेसिंग चेंज करें, तो उससे 20 मिनट पहले उसको आप एनाल्जेसिक जो मेडिकेशंस दी गई है, जो पेन मेडिकेशंस दी गई है, वो उस पेशेंट को दे दीजिए ताकि उसको ज़्यादा पेन वगैरह ना हो और ज़्यादा पेशेंट भी मतलब एंजाइटी इरिटेशन इसके अंदर ज़्यादा ना हो। देखिए आगे, दिस विल हेल्प द क्लाइंट टॉलरेट एन अदरवाइज पेनफुल प्रोसीजर। अगर आप पेनफुल कोई भी अदर से प्रोसीजर करना चाहते हैं, क्योंकि आप चेक भी तो करेंगे वहाँ पे कि कोई किसी प्रकार का मवाद तो नहीं हो गया है, वहाँ पे आप उसको पिंच भी करेंगे तो उससे पेशेंट को पेन ज़्यादा होगा। तो जो ड्यूरिंग प्रोसीजर जब आप पेनफुल कोई भी प्रोसीजर करते हैं वहाँ पे, तो उसको पेशेंट क्या कर सके, टॉलरेट कर सके। तो ये काम आपको वहाँ पे सबसे पहले करना है, तो ये फर्स्ट प्रायोरिटी आपको देनी है। एंटीबायोटिक्स आर टाइमली इवनली अराउंड द क्लॉक और नॉट नेसेसरी इन रिलेशन टू टाइमिंग ऑफ बर्न ड्रेसिंग चेंजेज। जब आप ड्रेसिंग चेंजेज कर रहे हैं तो उस टाइम एंटीबायोटिक्स की ज़रूरत नहीं है। एंटीबायोटिक्स जैसे पेशेंट को चल रही है, बीडी चल रही है, मॉर्निंग एंड इवनिंग चल रही है, तो आप उसी प्रकार से देते रहिए। लेकिन यहाँ पे जब आप ड्रेसिंग चेंज करें तो एंटीबायोटिक देने की कोई ज़रूरत नहीं है, जैसे चल रही है वैसे आपको देनी है। आगे देखिए, एडिशनली एंटीबायोटिक डू नॉट अफेक्ट पेन लेवल। ये एंटीबायोटिक्स कभी भी पेन लेवल को अफेक्ट नहीं करती है, तो एंटीबायोटिक का तो कोई यहाँ पे रोल ही नहीं है। ड्रेसिंग सप्लाईज आर जनरली अवेलेबल इन हाइड्रोथेरेपी एरिया एंड डू नॉट नीड टू बी सेंट द क्लाइंट। हाइड्रोथेरेपी जब आप ड्रेसिंग सप्लाईज कर रहे हैं, यानी ड्रेसिंग सप्लाईज जो है वो जनरली वहाँ पे अवेलेबल होती है जब आप हाइड्रोथेरेपी देते हैं हाइड्रोथेरेपी एरिया वाले पे, और वहाँ पे किसी भी प्रकार से पेशेंट को कहीं भेजने की ज़रूरत नहीं है। ए रोब एंड स्लीपर्स आर बेनिफिशरीज फॉर क्लाइंट कम्फर्ट इट इफ ट्रेवलिंग बाई व्हील चेयर, बट पेन मेडिकेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट या फिर मोर एसेंशियल। देखिए रोब एंड जो स्पाइस जो स्लीपर्स है वो पेशेंट के लिए बेनिफिशियल होते हैं, मतलब कम्फर्ट प्रोवाइड करते हैं। कब? जब वो व्हील चेयर पर ट्रेवल कर रहा होता है तो उस टाइम पे ये क्या करते हैं, इसके लिए बेनिफिशरीज होते हैं। लेकिन जो पेन मेडिकेशन है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है पेशेंट के लिए, क्योंकि पेशेंट को पेन होगा। व्हील चेयर पर आप बिठा रखें कोई बात नहीं, आप टूटी फूटी पे भी बिठा रखें तो चल जाएगा काम, लेकिन वो पेन टॉलरेट नहीं कर पाएगा। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको क्या करना है, पेन को टॉलरेट करने के लिए एनाल्जेसिक मेडिकेशन उस पेशेंट को देनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, द नर्स इज कैरिंग फॉर ए क्लाइंट विथ हार्ट फेल्योर हु हैज़ ए मैग्नीशियम लेवल ऑफ 1.4 mg पर dL। द नर्स शुड, देखिए नर्स ऐसे पेशेंट की केयर कर रही है जिसको हार्ट फेल्योर हो रखा है, साथ में उसका जो मैग्नीशियम लेवल है वो 1.4 मिलीग्राम पर dL से भी बिलो चला गया है। मतलब इसका जो मैग्नीशियम लेवल है वो इतना आ चुका है 1.4 मिलीग्राम पर डेसीलीटर। तो नर्स यहाँ पे सबसे पहले क्या करेगी, देखिए ऑप्शन में फर्स्ट है मॉनिटर द क्लाइंट फॉर इरेगुलर हार्ट रिदम्स, नेक्स्ट एनकरेज द इनटेक ऑफ एंटासिड्स एंड एंटासिड्स विद फॉस्फेट, नेक्स्ट है टीच द क्लाइंट टू अवॉइड फूड्स हाई इन मैग्नीशियम, नेक्स्ट प्रोवाइड ए डाइट ऑफ ग्राउंड बीफ एग्स एंड चिकन ब्रेस्ट। दोस्तों यहाँ पे जो आपको करेक्ट आंसर करना हो क्या करना है, ऑप्शन फर्स्ट।
ऑप्शन फर्स्ट, जब भी हार्ट फेल्योर होता है तो हार्ट फेल्योर का रीजन, मतलब आपको बताया गया कि हार्ट फेल्योर होगा तो उसकी वजह से पेशेंट के अंदर जो मैग्नीशियम का लेवल है वो क्या हो रहा है, कम हो रहा है, मतलब हाइपोमैग्नीशियमिया पेशेंट को हो रहा है, उसकी वजह से पेशेंट को हार्ट फेल्योर भी हो रखा है। और यहाँ पर नर्स को क्या करना है, मॉनिटर द क्लाइंट फॉर इरेगुलर हार्ट रिदम्स। तो यहाँ पे ऑप्शन फर्स्ट आपको करेक्ट आंसर करना है, पेशेंट की जो हार्ट रिदम्स है उसको आपको मॉनिटर करते रहना है कि भाई रेगुलर है कि इरेगुलर है, ये आपको असेसमेंट वहाँ पे उस पेशेंट का करते रहना है, क्योंकि पेशेंट हार्ट फेल्योर का और साथ में हाइपोमैग्नीशियमिया हो गया है, मतलब मैग्नीशियम का लेवल बिलो चला गया है। तो यहाँ पे सबसे पहला काम आपको यही करना है कि जो हार्ट रिदम है उसको आपको असेस करते रहना है। चलिए रैशनल से समझते हैं इसको, द नॉर्मल मैग्नीशियम लेवल। तो यहाँ पे सबसे पहले वो देखिए मैग्नीशियम लेवल जो है वो नॉर्मल कितना होता है, 1.823.0 मिलीग्राम पर डेसीलीटर। तो यहाँ पे वैल्यू आपको दे रखी है 1.4, यानी कि बहुत ज़्यादा कम है। तो यहाँ पे देखिए आपको जो नॉर्मल वैल्यू वो भी पूछी जा सकते हैं, तो ये भी आपको ध्यान रखना है, नॉर्मल मैग्नीशियम लेवल 1.823.0 मिलीग्राम पर डेसीलीटर होता है। अब देखिए, देयरफॉर दिस क्लाइंट इज एक्सपीरियंसिंग हाइपोमैग्नीशियमिया, ये मैंने आपको बता दिया कि हाइपोमैग्नीशियमिया का यहाँ पे पेशेंट है। द क्लाइंट शुड बी मॉनिटर्ड फॉर दिस रिदमियाज बिकॉज मैग्नीशियम प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन मायोकार्डियल नर्व सेल्स इंपल्सेज कंडक्शंस, दस हाइपोमैग्नीशियमिया इंक्रीज द क्लाइंट्स रिस्क फॉर वेंट्रिकुलर डिसरिदमियाज। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लाइन है, यहाँ से तीन चार क्वेश्चन बन जाते हैं। देखिए कौन कौन से क्वेश्चन बनते हैं, पहला क्वेश्चन तो यहाँ पे आपको जो दे रखा है सेम एज इट इज यही मिलेगा, और आपको यहाँ पे पूछा जाएगा कि आप क्या करेंगे, तो आपको क्या करना है, मॉनिटर फॉर डिसरिदमियाज, डिसरिदमिया ना हो जाए पेशेंट की, इसलिए आपको हार्ट रिदम पेशेंट के मॉनिटर करते रहना है। अब दूसरा क्वेश्चन क्या बनता है यहाँ पे, मैग्नीशियम प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल, आपको पूछा जा सकता है कि मैग्नीशियम का इंपॉर्टेंट रोल क्या है हार्ट के अंदर। तो देखिए हार्ट पे ये क्या काम करता है, जो मायोकार्डियल नर्व सेल्स है उनकी जो इम्पल्सेज की जो कंडक्शंस के अंदर जो है ये सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, कौन, मैग्नीशियम। तो आपको पूछा जा सकता है मायोकार्डियल नर्व सेल इम्पल्सेज कंडक्शन के अंदर कौन सा आयन इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, तो आपको आंसर क्या करना है, मैग्नीशियम। तो हो गए ना दो क्वेश्चन। अब आगे देखिए, दस हाइपोमैग्नीशियमिया इंक्रीज द रिस्क फॉर वेंट्रिकुलर डिसरिदमियाज, यहाँ पे वैसे आपको वैल्यू दे रखी है और डायरेक्टली भी आपको पूछा जा सकता है कि जो हाइपोमैग्नीशियमिया है उसकी वजह से सबसे ज़्यादा चांसेस किसके होते हैं, तो यहाँ पे तीसरा क्वेश्चन ये बनता है, तो आपको आंसर करना है वेंट्रिकुलर डिसरिदमियाज। तो यहाँ पे तीन क्वेश्चन मैंने आपको एक ही लाइन से बता दिए, साथ ही ये चौथा क्वेश्चन आपका यहाँ पे हो ही गया कि इसकी नॉर्मल रेंज ये होती है, अगर इससे बिलो होता है तो ये हाइपोमैग्नीशियमिया है, ये तो कोई खास बात नहीं है, तो आप जानते ही हैं। आगे देखिए, द नर्स अवॉइड्स एडमिनिस्ट्रिंग फॉस्फेट एंड प्रेजेंस ऑफ हाइपोमैग्नीशियमिया बिकॉज इट एग्रीवेट द कंडीशन। देखिए यहाँ पे अगर आप फॉस्फेट पेशेंट को एडमिनिस्टर करेंगे तो ये ज़्यादा हाइपोमैग्नीशियमिया करेगा, ये ज़्यादा हाइपोमैग्नीशियमिया कंडीशन कोज करेगा, क्योंकि ये मैग्नीशियम को क्या करेगा, एग्रीवेट कर देगा, एग्रीवेट करेगा तो मैग्नीशियम का लॉस होता रहेगा। आगे देखिए, द नर्स इंस्ट्रक्ट्स द क्लाइंट टू कंज्यूम फूड हाई इन मैग्नीशियम, ग्राउंड बीफ, एग, चिकन ब्रेस्ट आर लो इन मैग्नीशियम। जो आप यहाँ पे ऑप्शन फोर दिया गया डाइट का, ये जो डाइट आपको दी गई है इनके अंदर सबसे कम मैग्नीशियम पाया जाता है, तो ऐसी मैग्नीशियम की डाइट देकर भी आप पेशेंट को ठीक नहीं कर सकते हैं, इनके अंदर मैग्नीशियम का लेवल ही कम है, तो पेशेंट को मैग्नीशियम का मिल पाएगा क्या, पहले ही पेशेंट का मैग्नीशियम लेवल कम है और कम करते जा रहे हैं तो पेशेंट तो मरेगा ही मरेगा, तो आप ऐसा काम ना करें। तो आपको यहाँ पे ध्यान रखना है और अच्छे से इस क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ लेना है और याद कर लेना है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सेलेक्ट ऑल दैट अप्लाई सी क्वेश्चन है और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। देखिए ओबीजी का क्वेश्चन है, ए नर्स इज असेसिंग फॉर असेसिंग ए प्रेग्नेंट क्लाइंट्स विथ ए डायग्नोसिस ऑफ एब्रप्सियो प्लेसेंटा, द नर्स एक्सपेक्टेड टू नोट विच मैनिफेस्टेशन ऑफ दिस कंडीशन, सेलेक्ट ऑल दैट अप्लाई। नर्स जो है वो प्रेग्नेंट वुमेन को क्या कर रही है, असेस कर रही है, और साथ ही जब उस पेशेंट को असेस करती है, उस प्रेग्नेंट लेडी को जब असेस करती है तो वो डायग्नोस करती है, फाइंड आउट करती है कि एब्रप्सियो प्लेसेंटा उस पेशेंट के अंदर हो रखा है। अब आगे देखिए, द नर्स एक्सपेक्ट टू नोट विच मैनिफेस्टेशंस, और यहाँ पर भी आपको क्या पूछे गए हैं, क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस, पेशेंट के अंदर आपने फाइंड आउट किया तो आपको पता चला कि एब्रप्सियो प्लेसेंटा उस पेशेंट को हो रखा है, तो आपको कैसे पता चलेगा कौन कौन से वो मैनिफेस्टेशंस होंगे, कौन कौन से साइन सिम्टम्स नर्स मतलब उस पेशेंट के अंदर शो होंगे, जिसे आप पता लगा पाओगे कि इसके अंदर एब्रप्सियो प्लेसेंटा ही हुआ है।
देखिए यहाँ पे सेलेक्ट ऑल दैट अप्लाई सिक्यूशन पूछा गया और ऑप्शंस आपके सामने हैं। ऑप्शंस आपके सामने, फटाफट अपना आंसर बता दीजिए। ऑप्शन है फर्स्ट यूट्राइन इरिटेबिलिटी, नेक्स्ट यूट्राइन टेंडरनेस, नेक्स्ट ब्राइट रेड वेजाइनल ब्लीडिंग, नेक्स्ट एब्डोमिनल एंड लो बैक पेन, नेक्स्ट स्ट्रॉन्ग एंड फ्रीक्वेंट कॉन्ट्रैक्शंस, नेक्स्ट नॉन रीअश्योरिंग फिटल हार्ट रेट पैटर्न। दोस्तों यहाँ पे जो आपको करेक्ट आंसर करना है वो करना है ऑप्शन फर्स्ट सेकेंड, ऑप्शन फर्स्ट एंड सेकेंड, ऑप्शन फोर्थ एंड ऑप्शन सिक्स, ये आपको यहाँ पे करेक्ट आंसर करना है। कुछ यहाँ पे जो मैनिफेस्टेशंस दिए गए हैं वो सही है एब्रप्सियो प्लेसेंटा को लेकर। अगर एब्रप्सियो प्लेसेंटा किसी महिला को होता है तो उसमें कौन कौन से क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस होंगे, ये रहे आपके सामने। यूट्राइन इरिटेबिलिटी होगी, यूट्राइन टेंडरनेस भी होगी, साथ ही एब्डोमिनल और लो बैक पेन भी पेशेंट को होगा, साथ ही नॉन रीअश्योरिंग फिटल हार्ट रेट पैटर्न भी उस महिला के अंदर देखने को मिलेगा। तो ये आपको क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन ध्यान रखने एब्रप्सियो प्लेसेंटा से। देखिए यहाँ पे करेक्ट आंसर ऑप्शन फर्स्ट सेकंड फोर्थ एंड सिक्स, तो यहाँ पे ऑप्शन फर्स्ट सेकंड और फोर्थ एंड सिक्स मैंने आपको बता दिया। चलिए रेशनल से और समझ लेते हैं एब्रप्सियो प्लेसेंटा होता क्या है। पहले तो ये समझ लीजिए एब्रप्सियो प्लेसेंटा इज ए सेपरेशन ऑफ ए नॉर्मली इम्प्लांटेड प्लेसेंटा बिफोर द फिटस इज बॉर्न। देखिए एब्रप्सियो प्लेसेंटा का मतलब होता है जो प्लेसेंटा नॉर्मली जो फिटस से अटैच होती है जब इम्प्लीमेंट होती है या इम्प्लांटेड होती है, वो वहाँ से प्लेसेंटा मतलब सेपरेट हो जाना, प्लेसेंटा का सेपरेट हो जाना बेबी या फिर फिटस के बॉर्न होने से पहले ही, तो वो कंडीशन क्या कहलाती है एब्रप्सियो प्लेसेंटा। आगे देखिए इट अकर्स व्हेन देयर इज ब्लीडिंग एंड फॉर्मेशन ऑफ हीमेटोमा ऑन द मैटरनल साइड ऑफ द प्लेसेंटा। जो मैटरनल साइड ऑफ प्लेसेंटा है वहाँ पे आपको ब्लीडिंग एंड हीमेटोमा का फॉर्मेशन आपको देखने को मिल सकता है। लेकिन बात करें मैनिफेस्टेशंस की, ये भी वैसे तो मैनिफेस्टेशंस है लेकिन ये आपको वहाँ पे मतलब देखने को मिल सकता है, मतलब कंफर्म नहीं है। यहाँ पे जो आपको मैनिफेस्टेशंस दिए गए हैं वो क्या है, देखिए मैनिफेस्टेशंस इंक्लूड पेनफुल वेजाइनल ब्लीडिंग, पेनफुल वेजाइनल ब्लीडिंग होगी, एकिंग एंड डल एब्डोमिनल पेन एंड लो बैक पेन। तो लो बैक पेन एंड डल एकिंग पेन यानी कि एब्डोमिन पेन आपको दिया गया है। यहाँ पे ब्राइट रेड वेजाइनल ब्लीडिंग ये नहीं होगी, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ पेनफुल वेजाइनल ब्लीडिंग होगी। वेजाइनल ब्लीडिंग तो होगी लेकिन वो कैसी होगी, पेनफुल होगी। यहाँ पे पेनफुल ऑप्शन में नहीं दिया गया तो आपको ऑप्शन थर्ड नहीं करना है। अगर पेनफुल वेजाइनल ब्लीडिंग दिया जाए आपको ऑप्शन में तो आपको बिल्कुल करेक्ट आंसर वो भी करना है। आगे देखिए यूट्राइन इरिटेबिलिटी एंड फ्रीक्वेंसी लो इंटेंसिटी कॉन्ट्रैक्शंस, जी हाँ फ्रीक्वेंट लो इंटेंसिटी के कॉन्ट्रैक्शंस भी उस महिला में नजर आएंगे। साथ ही यूट्राइन टेंडरनेस होगी दैट मे बी लोकलाइज्ड इन द साइट ऑफ एब्रप्शन, जिस साइट पे एब्रप्शन हुआ है वहाँ पे लोकलाइज्ड या फिर यूट्राइन टेंडरनेस वहाँ पे देखने को मिलेगी। एंड हाई यूट्राइन रेस्टिंग टोन आइडेंटिफाइड बाय द यूज ऑफ इंट्रायूट्राइन प्रेशर कैथेटर, जो इंट्रायूट्राइन प्रेशर कैथेटर है उससे हम पता लगा सकते हैं किसका, हाई यूट्राइन रेस्टिंग टोन का, इससे भी हम पता लगा सकते हैं किसका एब्रप्सियो प्लेसेंटा का। तो अगर ये है हाई यूट्राइन टोन जो रेस्टिंग टोन है प्रेजेंट है तो उसे हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि एब्रप्सियो प्लेसेंटा उस महिला को हुआ है। आगे देखिए एडिशनल साइन इंक्लूड, कुछ से एडिशनल साइन भी होते हैं जो इस कंडीशन के अंदर देखने को मिलते हैं, जैसे नॉन रीअश्योरिंग फिटल हार्ट रेट पैटर्न जो आपको यहाँ पे देर का ऑप्शन सिक्स्थ के अंदर। आगे साइन ऑफ हाइपोवोलेमिक शॉक, हाइपोवोलेमिक शॉक के भी कुछ साइन देखने को मिल सकते हैं, साथ ही फिटल डेथ भी यहाँ पे हो सकती है एब्रप्सियो प्लेसेंटा की वजह से। नेक्स्ट यहाँ पे इसी के अंदर देखिए पेनलेस एंड ब्राइट रेड वेजाइनल ब्लीडिंग इज ए साइन ऑफ प्लेसेंटा प्रीविया। मैंने क्या बताया यहाँ पे, पेनफुल अगर वेजाइनल ब्लीडिंग आपको ऑप्शन में दे तो आपको एब्रप्सियो प्लेसेंटा का क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन करना है। अगर आपको यहाँ पे पेनलेस ब्राइट रेड या फिर रेड वेजाइनल ब्लीडिंग किसी भी प्रकार की आपको दे, यहाँ पे पेनलेस दे और ब्राइट रेड वेजाइनल ब्लीडिंग के बारे में आपको बताए तो आपको आंसर करना है फिर प्लेसेंटा प्रीविया का ये साइन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए जो एम्स नॉर्सेट 2020 के अंदर पूछा गया था, जी हाँ ये क्वेश्चन 2020 के अंदर पूछा गया था। देखिए ए प्रेग्नेंट क्लाइंट टेल्स ए नर्स दैट सी फेल्ट्स वेटनेस ऑन हर प्रीपेड एंड दैट सी फाउंड सम क्लियर फ्लूड। एक प्रेग्नेंट क्लाइंट जो नर्स को बताती है कि मैं अपने आप को ऐसा महसूस कर रही हूँ, कैसा, वेटनेस, कहाँ पे,
पेरीपैड के अंदर एंड फाउंड सम क्लियर फ्लूड, और कुछ क्लियर फ्लूड भी आ रहा है वेजाइनली, मतलब क्लियर फ्लूड आ रहा है, साथ ही वो ऐसा महसूस करे वाइटनेस, और यहाँ पे नर्स को बता रही है। अब देखिए आगे आपको पूछा क्या जा रहा है, द नर्स इमीडिएटली इंस्पेक्ट्स द पेरिनियम। जब यहाँ पे मतलब उस महिला ने बताया तो नर्स ने जल्दी से उस महिला के पेरिनियम को देखा है, और आगे देखिए एंड नोट्स द प्रेजेंस ऑफ द अम्बिलिकल कॉर्ड, और नर्स ने वहाँ पे नोट किया है कि जो अम्बिलिकल कॉर्ड है वो उस महिला के अंदर देखने को मिल रही है, मतलब अम्बिलिकल कॉर्ड वहाँ पे प्रेजेंट है जब नर्स ने उसको इंस्पेक्ट किया है, मतलब असेस किया है। आगे देखिए आपको पूछा क्या जा रहा है, ये आपको पता चल गया है, मतलब पेशेंट ने आके आपको कंप्लेन की और आपने जल्दी से एक्शन लिया, और आपने पेरिनियम को जब देखा तो आपको पता चला कि अम्बिलिकल कॉर्ड अब आपको सीन होने लग गई, मतलब दिखने लग गई है। अब पूछा क्या जा रहा है, द नर्स इज इनिशियल एक्शन इज टू, यहाँ पे सबसे पहले नर्स क्या करेगी, और ये क्वेश्चन एम्स नॉर्सेट 2020 में पूछ लिया गया, 2021 में भी पूछा जा सकता है, कोई गारंटी नहीं है कि 2020 में पूछ लिया है तो 2021 में नहीं पूछा जाएगा, पूछा जा सकता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पे देखिए ऑप्शन में आपको दिया गया, फर्स्ट नोटिफाई द फिजिशियन, नेक्स्ट मॉनिटर द फिटल हार्ट रेट, नेक्स्ट ट्रांसफर द क्लाइंट टू द डिलीवरी रूम, नेक्स्ट प्लेस द क्लाइंट इन ट्रेंडलबर्ग पोजिशन। दोस्तों यहाँ पे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, और यहाँ पे जो आपको करेक्ट आंसर करना है वो क्या करना, ऑप्शन फोर्थ, प्लेस द क्लाइंट इन ट्रेंडलबर्ग पोजिशन। एम्स नॉर्सेट 2020 के अंदर रिवर्स ट्रेंडलबर्ग की दो पोजिशन सेकेंड शिफ्ट के अंदर एक ही पेपर में पूछी गई थी, वो भी आपको बताई जाएगी, टेंशन ना लो आप। यहाँ पे जो आपको करेक्ट आंसर करना है वो क्या करना है, ट्रेंडलबर्ग पोजीशन के अंदर उस पेशेंट को लेटा देना है, ये सबसे पहला काम आपका वहाँ पे होगा। चलिए रेशनल से और समझते हैं, ऑन इंस्पेक्शन द पेरिनियम इफ़ द अम्बिलिकल कॉर्ड इज नोटेड, जब आप इंस्पेक्शन करते हैं, जब आप पेरिनियम को देखते हैं, अगर आपको अम्बिलिकल कॉर्ड वहाँ पे दिखाई दे रही है तो एज ए नर्स आप वहाँ पे सबसे पहले उस पेशेंट को ट्रेंडलबर्ग पोजीशन दे दीजिए, वाइल पुशिंग द प्रेजेंटिंग पार्ट अपवर्ड टू रिलीव द कॉर्ड कंप्रेशन। जिससे क्या होगा, जो आपको अम्बिलिकल कॉर्ड दिखाई दे रही है इसकी वजह से उस पेशेंट के अंदर क्या हो सकता है, कॉर्ड कंप्रेशन हो सकता है, और कॉर्ड कंप्रेशन से बचाने के लिए आप क्या कर रहे हैं, ट्रेंडलबर्ग पोजीशन उस पेशेंट को दे रहे हैं, जो एम्स नॉर्सेट 2020 में पूछा गया था ना, वो क्वेश्चन के अंदर आपको डाला गया था कॉर्ड कंप्रेशन, कॉर्ड कंप्रेशन का वर्ड वहाँ पर डाला गया था, तो आपको करेक्ट आंसर सेम एज इट इज़ यही करना था, कॉर्ड कंप्रेशन से प्रिवेंट करने के लिए, रिलीव करने के लिए यहाँ पे ट्रेंडलबर्ग उस पोजीशन, मतलब उस पेशेंट को दी जाती है, जिससे जो प्रेजेंटिंग पार्ट है वो वापस पुश हो जाएगा, जिससे पेशेंट को रिलीव मिल जाएगा और कॉर्ड कंप्रेशन नहीं होगा। दिस पोजीशन इज मेंटेन्ड, द फिजिशियन इज नोटिफाइड एंड द नर्स मॉनिटर द फिटल हार्ट रेट। देन आप जैसी पोजीशन दे देते हैं उसके बाद आप फिजिशियन को नोटिफाई कीजिए, और एज ए नर्स आप वहाँ पे फिटल हार्ट रेट जो है वो आप मॉनिटर करते रहिए। द क्लाइंट इज ट्रांसफर टू द डिलीवरी रूम व्हेन प्रिस्क्राइब्ड बाय द फिजिशियन। अगर जो फिजिशियन है वो अगर प्रिस्क्राइब करता है और वो कहता है कि इसको इमीडिएटली जो लेबर रूम है उसके अंदर ट्रांसफर कर दिया जाए, तो आपको क्या करना है, वहाँ से उस पेशेंट को ट्रांसफ़र कर देना है। अदरवाइज आपको सबसे पहला काम यही करना है, ट्रेंडलबर्ग पोजीशन उस पेशेंट को सबसे पहले दे देनी है, बाकी काम आपको बाद में करने हैं, फिजिशियन को बाद में बताना है, उसके बाद उसके जो फिटल हार्ट रेट वो मॉनिटर करनी है, और उसके बाद अगर फिजिशियन कह देता है तो उसको लेबर वार्ड के अंदर या डिलीवरी रूम के अंदर आपको लेके जाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ए क्लाइंट विथ माइस्थेनिया ग्रेविस इज एडमिटेड इन द हॉस्पिटल एंड द नर्सिंग हिस्ट्री रिवील्स दैट द क्लाइंट इज टेकिंग पायरिडोस्टिगमाइन। यहाँ पे ड्रग का नाम दिया गया है पायरिडोस्टिगमाइन। देखिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, माइस्थेनिया ग्रेविस का पेशेंट आपके पास आया और वो एडमिट हो चुका है हॉस्पिटल के अंदर, नर्स उसकी हिस्ट्री देखती है और वहाँ पे देखती है कि ये जो पेशेंट है वो पायरिडोस्टिगमाइन जो ड्रग है वो ले रहा है। अब देखिए आपको क्या पूछा जा रहा है, द नर्स इज असिस्ट द क्लाइंट फॉर साइड इफेक्ट ऑफ द मेडिकेशन एंड आस्क द क्लाइंट अबाउट द प्रेजेंस ऑफ। यहाँ पे नर्स मतलब असिस्ट करेगी इस ड्रग की वजह से पेशेंट को कौन कौन से साइड इफेक्ट्स हुए हैं, और नर्स उस पेशेंट को पूछेगी कि आपको क्या क्या इस ड्रग की वजह से हो रहा है, तो नर्स को क्या बताएगा वो पेशेंट, क्योंकि आपको तो पता है एज ए नर्स आप तो जानते हैं कि इसके ये साइड इफेक्ट्स होते हैं। ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, याद रखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट यहाँ पे क्वेश्चन बनता है। ऑप्शन देखिए, फर्स्ट है माउथ अल्सर, नेक्स्ट है मसल क्रैम्प्स, नेक्स्ट है
फीलिंग्स ऑफ डिप्रेशन, नेक्स्ट है अनएक्सप्लेन्ड वेट गेन। दोस्तों यहाँ पे जो आपको करेक्ट आंसर करना है वो क्या करना है, ऑप्शन सेकंड मसल क्रैम्प्स। मसल क्रैम्प्स इस ड्रग की वजह से पेशेंट के अंदर हो सकते हैं, तो ये क्या है, साइड इफेक्ट है जो पेशेंट के अंदर देखने को मिल सकते हैं। और दोस्तों आपने जिसने 2020 का एग्ज़ाम दिया है, सभी ने तो नहीं दिया होगा लेकिन 2020 का जिन्होंने एग्ज़ाम दिया है उनको पता है साइकेट्रिक सबसे ज़्यादा पूछी गई थी और फार्मेकोलॉजी के क्वेश्चन साइकेट्रिक थे जिसमें से साइड इफेक्ट के बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे गए थे। इस बार का पता नहीं क्या आएगा लेकिन एक सब्जेक्ट जरूर होगा ऐसा जो सबसे ज़्यादा पूछा जाएगा। देखिए रेशनल और जानते हैं इसका, मेस्टिनन इज ए एसिटाइल कोलिनेस्टरेज इनहिबिटर यूज टू ट्रीट मायस्थेनिया ग्रेविस ए न्यूरोमस्कुलर डिसऑर्डर। देखिए इस ड्रग का क्या है, ये ब्रांड नेम है मेस्टिनन, ये एक प्रकार का क्या है, एसिटाइल कोलिनेस्टरेज इनहिबिटर है जो मायस्थेनिया ग्रेविस को ट्रीट करने के लिए यूज लिया जाता है और ये न्यूरोमस्कुलर डिसऑर्डर के अंदर भी यूज लिया जाता है। साथ ही देखिए आगे, मसल क्रैम्प्स एंड स्मॉल मसल कॉन्ट्रैक्शंस आर साइड इफेक्ट एंड अकर्स ए रिजल्ट ऑफ ओवर स्टिमुलेशन ऑफ न्यूरोमस्कुलर रिसेप्टर। देखिए ये जो मसल क्रैम्प्स और जो स्मॉल मसल कॉन्ट्रैक्शंस है ये इसके क्या है, साइड इफेक्ट है, क्योंकि यहाँ पे ये जो ड्रग्स आप ले रहे हैं तो इसकी वजह से पेशेंट के अंदर ओवर स्टिमुलेशन होगा और उसकी वजह से न्यूरोमस्कुलर जो रिसेप्टर्स है वो ज़्यादा वर्क करेंगे तो उसकी वजह से मसल क्रैम्प्स उसके अंदर हो सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे ऑप्शन फर्स्ट थर्ड एंड फोर्थ आर नॉट एसोसिएटेड विद मेडिकेशन। जो ऑप्शंस वन जो थर्ड और फोर्थ जो है वो इस मेडिकेशन से रिलेटेड नहीं है। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, सेकंड लास्ट, ए क्लाइंट विथ ए फ्रैक्चर्ड राइट एंकल हैज ए शॉर्ट ले कास्ट अप्लाइड इन द इमरजेंसी डिपार्टमेंट। एक ऐसा पेशेंट है जिसका राइट एंकल जो है वो फ्रैक्चर हो चुके हैं और शॉर्ट ले कास्ट जो है उस पेशेंट को अप्लाई किया गया है इमरजेंसी डिपार्टमेंट के अंदर। आगे देखिए, ड्यूरिंग डिस्चार्ज टीचिंग द नर्स प्रोवाइड्स विच इन्फॉर्मेशन टू द क्लाइंट टू प्रिवेंट कॉम्प्लिकेशन। डिस्चार्ज टीचिंग जो है वो नर्स प्रोवाइड कर रही है, जब उसको डिस्चार्ज किया जा रहा है तो वहाँ पे आप टीचिंग उस पेशेंट को दे रहे हैं। तो आगे देखिए क्या पूछा जा रहा है, नर्स प्रोवाइड्स विच इन्फॉर्मेशन टू द क्लाइंट टू प्रिवेंट कॉम्प्लिकेशन। कौन सा वो कॉम्प्लिकेशन है जिससे आप उस पेशेंट को, मतलब कौन सा कॉम्प्लिकेशन होने से बचाने के लिए उस पेशेंट को आप टीचिंग दोगे। तो देखिए यहाँ पे ऑप्शंस आपको दिए गए, फर्स्ट है ट्रिम द रफ एजेज ऑफ द कास्ट आफ्टर इट इज डाई, नेक्स्ट वेट बियरिंग ऑन द राइट लेग इज अलाउड वंस द कास्ट फील्स डाई, नेक्स्ट एक्सपेक्ट बर्निंग एंड टिंगलिंग सेंसेशन अंडर द कास्ट फॉर 3 to 4 days, नेक्स्ट कीप्स द राइट एंकल एलिवेटेड अबाउ द हार्ट लेवल विथ पिलो फॉर 24 hours। तो यहाँ पर जो आपको करेक्ट आंसर करना है वो क्या करना है, ऑप्शन फोर्थ, कीप द राइट एंकल एलिवेटेड अबाउ द हार्ट लेवल विथ पिलो फॉर 24 hours। जो राइट एंकल है उसको एलिवेट रखना है, थोड़ा ऊपर रखना है, किसके सहारे से, पिलो के सहारे से, मतलब हार्ट लेवल से आपको ऊपर रखना है, वो भी 24 घंटे। तो ये काम यहाँ पर आपको करना है। अब देखिए ये जो काम आप कर रहे हैं तो क्यों कर रहे हैं, इसके पीछे वजह क्या है, चलिए रेशनल से जानते हैं। लेग एलिवेशन इज एन इंपॉर्टेंट टू इंक्रीज विनस रिटर्न एंड डिक्रीज एडिमा। जब आप लेग एलिवेशन रखेंगे तो उससे क्या होगा, जो विनस रिटर्न है वो अच्छे से हो पाएगा, मतलब अच्छे से जो विनस रिटर्न है वो होगा, तो उसकी वजह से क्या होगा, जो एडिमा की कंडीशन है वो क्या होगी, डिक्रीज होगी। मतलब सूजन अगर पेशेंट को आ रही है तो वो सूजन अगर आपको कम करनी है तो उसके आप कैसे कर सकते हैं, लेग एलिवेशन करके। लेकिन ये उसी क्वेश्चन के हिसाब से आपको करना है, ऐसा नहीं है कि हर कहीं आपके मतलब किसी को चोट लगे उसको सूजन आ रही है और आप वहाँ पे एलिवेशन कर रहे हैं, कुछ नहीं होगा, है ना। एलिवेशन भी कुछ कंडीशंस के अंदर ही होता है, ऐसा नहीं है कि अगर एडिमा की कंडीशन है और उसको रिलीव करें तो कुछ कंडीशंस के अंदर है। तो यहाँ पे देखिए लेग एलिवेशन की वजह से जो विनस रिटर्न वो इंक्रीज होगा, एडिमा की कंडीशन डिक्रीज होगी। साथ ही एडिमा कैन कॉज कंपार्टमेंट सिंड्रोम, साथ ही ध्यान रखिएगा अगर एडिमा हो गया तो कंपार्टमेंट सिंड्रोम कॉज करेगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है यहाँ से। ए मेजर कॉम्प्लिकेशन ऑफ फ्रैक्चर एंड कास्टिंग, ये भी आपको ध्यान रखना है, अगर आपको पूछे कि मेजर कॉम्प्लिकेशन या मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन ऑफ फ्रैक्चर और एंड कास्टिंग, तो आपको आंसर में क्या करना है, कंपार्टमेंट सिंड्रोम। आगे देखिए, द क्लाइंट एंड और फैमिली में भी थॉट हाउ टू पिटल द कास्ट टू प्रिवेंट स्किन इरिटेशन एंड ब्रेक डाउन, बट रफ एजेज इफ ट्रिम्ड एंड कैन फॉल द इन टू कास्ट एंड कॉज द ब्रेक इन स्किन इंटेग्रिटी। यहाँ पे जो फैमिली वाले होते हैं वो आपको कहेंगे कि इसके इनकी जो स्किन ट्रिक्शन, जो स्किन इरिटेशन वगैरह उसको प्रिवेंट कीजिए, या फिर इसकी स्किन ब्रेक डाउन है उसको प्रिवेंट कीजिए, या फिर जो रफ एज यहाँ पे हो रखी है
ट्रिम्ड की वजह से या फिर कास्ट की वजह से, तो इसकी वजह से जो स्किन की इंटीग्रिटी है वो भी ब्रेक हो रही है। तो ये तो आपको पता है, अगर कास्ट वहाँ पे अप्लाई करेंगे तो इसकी वजह से स्किन की ब्रेकडाउन होगा और स्किन इंटीग्रिटी है वो भी अफेक्ट होगी। तो ये आपको पता है, ये आप काम उसके बाद कीजिएगा जब आपको पहला काम ये पता है कि यहाँ पे इस पेशेंट के अगर ऐसे रखेंगे तो यहाँ पे एडिमा की कंडीशन बढ़ जाएगी, विनस रिटर्न कम होगा तो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन हो जाएगा। तो सबसे पहले आपको एग जो लेग एलिवेशन है वो आपको करना है, साथ ही वेट बियरिंग ऑन ए फ्रैक्चर्ड एक्सट्रीमिटीज प्रेस्क्राइब्ड बाय फिजिशियन ड्यूरिंग फॉलोअप एग्जामिनेशन। जो फॉलोअप एग्जामिनेशन होगा जब भी फिजिशियन के द्वारा, तब वेट बियरिंग जो है वो आपको अप्लाई करना है जहाँ पर जो एक्सट्रीमिटीज फ्रैक्चर हो रखी है वहाँ पर, तभी आपको करना है जब फॉलोअप एग्जामिनेशन होगा। आफ्टर रेडियोग्राफ आर ऑब्टेन, पहले रेडियोग्राफ मतलब चेक होगा, एक्सरे करवाई या फिर सीटी स्कैन करवाई, जो भी मतलब करवाए, उसके बाद ही आपको बताया जाएगा कि यहाँ पे वेट बियरिंग यहाँ पे करनी है कि नहीं करनी है। आगे एडिशनल वॉकिंग हील और कास्ट शूज में बी एडेड टू द कास्ट इफ द क्लाइंट इज अलाउड टू बियर वेट एंड वॉक ऑन अफेक्टेड लेग। यहाँ पे जो अफेक्टेड लेग है, अगर यहाँ पे वेट बियर कर रहा है या फिर पेशेंट चल रहा है तो उसकी वजह से पेशेंट को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स हो सकती है। वॉकिंग हील एंड कास्ट शू, यानी कास्ट शू है वो आपको पहनना है जब भी आप हील करें, मतलब पेशेंट को बताना है, ऐसा आप तो नहीं है लेकिन पेशेंट को तो आपको समझाना ही पड़ेगा। तो कास्ट अगर यहाँ पे क्लाइंट को अलाउ करती हैं तो वहाँ पे आपको ये भी आपको ध्यान में रखना है, वेट बियर वेट एंड वॉक ऑन अफेक्टेड लेग के ऊपर बिल्कुल भी नहीं लेना है, जो अनअफेक्टेड लेग है वहाँ पे आपको ज़्यादा जोर देना है। ऑल्दो द क्लाइंट्स में फील हील आफ्टर द कास्ट इज अप्लाइड, बर्निंग एंड टिंगलिंग सेंसेशन इंडिकेटिव नर्व डैमेज और इस्चेमिया आर नॉट एक्सपेक्टेड। यहाँ पे अगर पेशेंट को कास्ट आपने अप्लाई कर दिया और उसके बाद बर्निंग या टिंगलिंग सेंसेशन पेशेंट बता रहा है कि मेरे को टिंगलिंग या बर्निंग सेंसेशन यहाँ पे हो रहे हैं, तो किसको इंडिकेट कर रहा है, नर्व डैमेज और इस्चेमिया को, आर नॉट एक्सपेक्टेड। ये मतलब पेशेंट बता रहा आपको ये होता नहीं है, टिंगलिंग एंड बर्निंग सेंसेशन से ऐसा नहीं है कि नर्व डैमेज हो गई या फिर इस्चेमिया हो गया है, ये कोई एक्सपेक्टेड आप नहीं पता लगा सकते कि ऐसी कंडीशन हुई है। तो यहाँ पे दीज कॉम्प्लिकेशन शुड बी रिपोर्टेड इमीडिएटली। अगर ऐसी कंडीशन होती है तो आपको सबसे पहले रिपोर्ट करनी है, मतलब अगर टिंगलिंग एंड बर्निंग सेंसेशन उस पेशेंट के अंदर हो रहे हैं तो नर्व डैमेज एंड इस्चेमिया को इंडिकेट कर रहा है और ऐसी कंडीशन को इमीडिएटली आपको वहाँ पे ऑब्जर्व करनी है, ऐसी कंप्लेंट बता रहा है तो सबसे पहले असेसमेंट करना है, उसको ठीक करना है। बाकी एक जो लेग एलिवेशन है वो आपको सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी यहाँ पे देनी है। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन, एन एडल्ट क्लाइंट विथ ए फ्रैक्चर्ड, फिर से फ्रैक्चर का क्वेश्चन है, फ्रैक्चर्ड टीबिया लेफ्ट टीबिया हैज ए लॉन्ग लेग कास्ट एंड इज यूजिंग क्रचेज फॉर एम्बुलेट। देखिए एक पेशेंट है जिसको लेफ्ट टीबिया का क्या हुआ, फ्रैक्चर हुआ है और जो लॉन्ग लेग कास्ट है वो उस पेशेंट को लगा हुआ है, साथ ही क्रचेज की मदद से वो एम्बुलेट हो रहा है, मतलब चल फिर रहा है। यहाँ पे आगे क्या पूछा गया, इन कैरिंग फॉर क्लाइंट द नर्स असेस फॉर विच साइन एंड सिम्टम्स दैट इंडिकेट द कॉम्प्लिकेशन एसोसिएटेड विद क्रच वॉकिंग। ये जो क्रच लगा के पेशेंट घूम रहा है फिर रहा है, इसकी वजह से कौन से कॉम्प्लिकेशंस उस पेशेंट के अंदर हो सकते हैं, नर्स को असेस करनी है कौन से वो साइन सिम्टम्स होंगे जिससे पता लगा पाएगी कि इस पेशेंट को जो क्रच वॉकिंग कर रहा है इसकी वजह से कॉम्प्लिकेशन हुआ है। ऑप्शन देखिए, फर्स्ट है, सॉरी यहाँ पे देखिए ऑप्शन फर्स्ट, लेफ्ट लेग डिस्कम्फर्ट, नेक्स्ट वीक बाइसेप्स ब्रेकाई, नेक्स्ट है, सॉरी ज़्यादा ही जूम हो गया, नेक्स्ट है ट्राइसेप्स मसल स्पाज्म, नेक्स्ट फोर आर्म मसल वीकनेस। दोस्तों यहाँ पे जो आपको करेक्ट आंसर करना हो क्या करना, ऑप्शन फोर्थ, फोर आर्म मसल्स वीकनेस, फोर आर्म मसल वीकनेस हो रही है, तो समझ जाइएगा ये क्या है, साइन सिम्टम या कॉम्प्लिकेशन आप बोल सकते हैं जो क्रचेज वॉकिंग वाले पेशेंट्स होते हैं उनके अंदर। देखिए रैशनल से और समझ लेते हैं इसको, फोर आर्म मसल वीकनेस इज ए साइन ऑफ रेडियल नर्व इंजरी फॉलो कॉज्ड बाई क्रचेज प्रेशर ऑन दी एक्जिला। देखिए जो क्रच लगाते हैं, मतलब जो एक्जिला वाला पार्ट होता है वहाँ पर क्रच लगा के जो भी पेशेंट घूमते हैं, जिनको फ्रैक्चर वगैरह होता है तो वो क्रच लगा के ही घूम पाते हैं, तो वहाँ पर जो रेडियल नर्व है उसकी इंजरी होने की वजह से फोर आर्म मसल्स वीकनेस आपको उस पेशेंट के अंदर नजर आएगी और आपको पता चल जाएगा कि ये इसका ही कॉम्प्लिकेशन है। आगे देखिए, व्हेन ए क्लाइंट लैक्स अपर बॉडी स्ट्रेंथ स्पेशली इन द फ्लेक्सर एंड एक्सटेंसर मसल्स
ऑफ द आर्म्स ही एंड सी फ्रीक्वेंटली अलाउज वेट टू रेस्ट ऑन द एक्सिला और ऑन द क्रचेज पैड्स इंस्टेड टू यूजिंग आर्म एंड सपोर्ट वाइल एम्बुलेटिंग विथ क्रचेज। देखिए, जब पेशेंट को अपर बॉडी स्ट्रेंथ की लैक, मतलब क्लाइंट जो है स्पेशली जो फ्लेक्सर और एक्सटेंशन जो मसल्स है आर्म की, अगर वहाँ पे जो बॉडी की स्ट्रेंथ है उसकी अगर कमी हो जाती है, तो यहाँ पे फ्रिक्वेंटली आपको जल्दी से वहाँ पे वेट अलाउ करना है, साथ रेस्ट देना है पेशेंट को जहाँ पे क्रचेज लगा हुआ है, और उस पेशेंट को एम्बुलेट करवाना है विथ क्रचेज। जब भी मतलब आगे जब आप एम्बुलेट करवाए तो उसके मतलब क्रच लगा के ही एम्बुलेट करवाना है, लेकिन जब ऐसी कंडीशन डेवलप हो तो क्रच को आपको हटा देना है। आगे देखिए, लेग डिस्कम्फर्ट इज एक्सपेक्टेड एज ए रिजल्ट ऑफ इंजरी। मतलब ये इंजरी का क्या है, एक एक्सपेक्टेड रिजल्ट है कि लेग डिस्कम्फर्ट पेशेंट के अंदर देखने को मिलेंगे। वीक बाइसेप्स ब्रेकाई इज नॉट ए कॉम्प्लिकेशन क्रच वॉकिंग, ये किसी प्रकार का कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है। ट्राइसेप्स मसल्स स्पाज्म में अकर्स इज ए रिजल्ट ऑफ इंक्रीज मसल्स यूज बट इट नॉट कॉम्प्लिकेशन क्रच वॉकिंग। यानी ये जो ट्राइसेप मसल स्पाज्म वो हो सकते हैं, लेकिन ये इसका क्रच वॉकिंग का क्या नहीं है, कॉम्प्लिकेशन नहीं है। जो कॉम्प्लिकेशन है वो सिर्फ और सिर्फ एक ही है, फोर आर्म मसल वीकनेस। दोस्तों, ये थे हमारे 10 क्वेश्चंस, उम्मीद करता हूँ अच्छे से समझ में आ गए होंगे, और आपको नेक्स्ट वीडियोस बहुत जल्द मिल जाएगी। आप अपने फ्रेंड्स को शेयर करना ना भूलिएगा, आप ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, और अगर आपको पसंद आया हो तो आप लाइक करना ना भूलें। फिर मिलेंगे दोस्तों नए वीडियो के साथ, तब तक आप हमारे साथ बने रहिएगा। थैंक यू सो वेरी मच।